भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के शेखुपुर गांव के समीप बुधवार की देर रात पुलिस और टाटा मैजिक पर सवार पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी बिलरियागंज बाल बाल बच गए। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन पर सवार दो पशु तस्करों को धर दबोचा, जबकि उनके दो अन्य साथी भागने में सफल रहे। पुलिस ने कब्जे में ली गई टाटा मैजिक को लदे दो गोवंश पकड़े व एक पशु तस्कर से तमंचा व कारतूस बरामद किया। बुधवार की रात बिलरियागंज क्षेत्र में पर निकले थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि पशु तस्करी में लिप्त कुछ लोग टाटा मैजिक पर गोवंश लादकर बिंदवल जयराजपुर से बनकट मार्ग होते हुए बिहार की ओर जाने वाले हैं। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस पशु तस्करों को दबोचने के लिए निकल पड़ी। देर रात करीब 3 बजे जयगाहा मोड़ से गुजर रहे टाटा मैजिक पर पुलिस की निगाह पड़ी और उसका पीछा किए जाने लगा। पीछे किए जाते देख टाटा मैजिक सवार पशु तस्कर शेखुपुर गाँव स्थित पुलिया के समीप पुलिस पर फायर करने लगे। इस घटना में थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। किसी तरह घेराबंदी कर पुलिस ने दो पशु तस्करों को दबोच लिया, जबकि दो अन्य मौके से भाग निकले। पकड़े गए पशु तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा व कारतूस बरामद किया है। वाहन पर लदे दो गोवंश भी कब्जे में लिए गए। पकड़े गए आरोपियों में अजय सरोज पुत्र रमेश सरोज एवं सागर सरोज पुत्र दियानाथ, दोनों जहानागंज थाना क्षेत्र के मसुआ मटही गांव के निवासी बताए गए हैं। गिरफ्तार पशु तस्करों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने मौके से फरार दो अन्य पशु तस्करों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की है। ये दो अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं और ये एक मैजिक में एक बछड़ा और एक गाय अवैध वध करने के लिए गौहत्या करने के लिए ले जा रहे थे। इनके पास से एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है, गाड़ी में गौवंश बरामद हुए हैं और दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं।